Hello guys, welcome back again in this Python program video series. So guys, in last video we have learned Python program to check any number is perfect number or not. ये video अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर card में link available कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जा करके इस video को देख सकते हैं. Okay? And today we are going to discuss another very important Python program, that how to print patterns. So let's get started. To get regular videos and latest updates, subscribe this channel and press bell icon. So guys, our today's program is pattern printing in Python. हम लोग patterns किस तरीके से create कर सकते हैं, किस तरीके से print कर सकते हैं with the help of Python. आप लोग screen में देख सकते हैं किस तरह के patterns होते हैं, और exam purpose से इस तरह के questions बहुत ही important है. आप लोगों के exam में हमेशा इस तरह के pattern, building pattern, मेकिंग प्रोग्राम्स आते रहते हैं. ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है इन पैटर्न्स को क्रिएट करने का, हम लोग पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग कोडिंग पे जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल क्या क्रिएट करना है, हम लोगों को डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, नंबर ऑफ रोज डिसाइड करेगा अपना फॉर लूप, एंड नंबर ऑफ कॉलम भी डिसाइड करेगा अपना फॉर लूप. बट यहाँ पे हम लोगों को दो फॉर लूप यूज करने हैं, एक होगा अपना आउटर लूप फॉर आउटर लूप, और एक फॉर लूप हम लोग यूज करेंगे इनर के लिए. ठीक है, तो जो अपना आउटर फॉर लूप है वो आपका नंबर ऑफ रोज डिसाइड करेगा कि अपने पैटर्न में कितने रोज प्रिंट होंगे. ठीक है, और इनर फॉर लूप ये डिसाइड करेगा कि कितने कॉलम्स इसमें प्रिंट होंगे. ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे बेस होकर के हम लोग चलिए अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं. तो मैं फॉर लूप यहां पर लिखता हूं, मैं लिखा फॉर आई इन रेंज. ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाता हूं. मैंने यहाँ लिखा 1.6, इट मीन्स मैं अपना लूप 1 से लेकर के 5 तक रन कराना चाहता हूँ, फ्रॉम 1 to 5. ठीक है, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ स्टार. मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया सिंपल स्टार, जो कि एक स्ट्रिंग है. ठीक है, तो चलिए पहले हम इतने पार्ट का आउटपुट लेते हैं और दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसा जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने क्या आया है, आपके सामने 5 times स्टार प्रिंट हो गया. ओके, तो आई होप इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आउटर लूप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमको 5 times रोज क्रिएट करनी है. ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इनर लूप का कंसेप्ट समझते हैं, और ये देखते हैं कि हम लोग कॉलम्स किस तरीके से क्रिएट करेंगे. ठीक है, मींस अपने स्टार्स जो हैं, ये स्टार जो आ रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल किस तरीके से प्रिंट होंगे. अभी तो ये वर्टिकली प्रिंट हो रहे हैं. ठीक है, चलिए मैं इसी में कुछ चेंजेस करके दिखाता हूं आप लोगों को. ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां लिखा, सिर्फ छोटा चेंज किया, मैंने यहां डाला एंड इक्वल्स टू डबल कोस्ट. ठीक है, और बीच में गैप देता हूं यहां पे. ओके, तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, देखते हैं क्या आया है. ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट आउटपुट में जब मैंने एंड इक्वल्स टू डबल कोस्ट नहीं लगाया था, तब ये सारे स्टार्स वर्टिकली प्रिंट हुए थे. ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ एंड इक्वल्स टू डबल कोस्ट ये सारे स्टार हॉरिजॉन्टली प्रिंट हुए हैं. तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दो लूप्स यूज करने हैं, मींस फॉर लूप के अंदर लूप. जो फॉर लूप होगा, जो आउटर लूप होगा, वो डिसाइड करेगा नंबर्स ऑफ रोज. ठीक है, उसमें हम लोग एंड इक्वल्स टू डबल कोस्ट नहीं लगाएंगे. ठीक है, और जो इनर लूप होगा वो डिसाइड करेगा नंबर्स ऑफ कॉलम्स, उसमें हम लोग एंड इक्वल्स टू डबल कोस्ट यूज करेंगे. ठीक है, ओके, तो अब मैं इस कोड को फाइनलाइज करने जा रहा हूं, आप लोग देखते रहिए. ठीक है, मैं अभी इस पार्ट को यहां से हटाता हूं, प्रिंट मैंने यहां से हटा दिया, और फॉर के अंदर आया, मैं एक और लूप यहां लिखता हूं फॉर, और यहां मैं जे यूज करता हूं इन रेंज. ठीक है, और मैंने यहां अगेन लिखा 1 to 6, यानी मुझे अभी एक टेबुलेशन टाइप की फॉर्मेट क्रिएट करनी है जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 5 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम भी 5 होंगे. ठीक है, मैं यहां कोलन लिखता हूं, और सिंपल यहां पे एक गैप होना चाहिए. मैं सिंपल यहां प्रिंट करता हूं प्रिंट, और मैंने यहां लिखा डबल कोस्ट के अंदर स्टार देन, क्योंकि इनर लूप है, ये इनर लूप डिसाइड करेगा नंबर ऑफ कॉलम, इसको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. ठीक है, तो मैं यहां लगाता हूं एंड इक्वल्स टू डबल कोस्ट. ठीक है, बीच में गैप देता हूं. ओके, तो स्टार प्रिंट हो गया इनर लूप के लिए. ठीक है, बट आउटर लूप के लिए भी कुछ प्रिंट होना चाहिए, तो मैं एंटर करता हूं और इनर लूप से बाहर आता हूं. अब मैं आउटर लूप पे आ गया. ठीक है, मैंने यहां भी एक प्रिंट दे दिया प्रिंट, और मैं यहां पे अभी सिर्फ 1 प्रिंट कराता हूं 1. ठीक है,
ताकि आपको कुछ आउटपुट दिखे और समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ओके, तो मैं अभी इतने पार्ट का आउटपुट लेता हूँ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है हमारे पास। मैंने किया रन, ओके। तो इस तरह का स्टार्ट पैटर्न मुझे क्रिएट करना था, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हमारे पास हर लाइन में 1 1 1 प्रिंट हो रहा है, इसे हम लोग हटाना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो प्रिंट लिखा है इसमें से 1 हटा दूंगा, बट प्रिंट नहीं हटाऊंगा, क्योंकि ये प्रिंट हमारी लाइन चेंज कर रहा है, मींस हम लोगों को सेकंड रो में लेकर आ रहा है, ठीक है? तो मैं इस 1 को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे खाली प्रिंट हम लोग रन कराएंगे, ठीक है? तो मैं एक बार इसको फिर से रन कराता हूँ और आप लोगों को फाइनल आउटपुट यहाँ पे शो होगा। मैं जाता हूँ रन पे और फाइनली इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना फर्स्ट आउटपुट। हम लोगों को एक टेबुलेशन टाइप में स्टार पैटर्न मिल चुके हैं, जिसमें 5 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं। ओके, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, देन सेकंड पार्ट क्या है, हम लोगों को एक ऐसा स्टार पैटर्न क्रिएट करना है जिसमें फर्स्ट लाइन में केवल 1 स्टार हो, मींस यहां पे ओनली 1 स्टार, सेकंड लाइन में 2 स्टार, थर्ड लाइन में 3 स्टार, फोर्थ लाइन में 4 स्टार एंड फिफ्थ लाइन में 5 स्टार, ठीक है? इस तरीके से हमको एक स्टार पैटर्न क्रिएट करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या लॉजिक लगाना है, आप देखिए। हम लोग इसी का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास क्या है, जो इनर लूप है, सारा वर्क अभी यहाँ इनर लूप का ही हमको दिख रहा है, ठीक है? कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोगों को यहाँ पे करना है कि जो इनर लूप चल रहा है उसमें फर्स्ट लूप में केवल 1 बार चले, सेकंड लूप में केवल 2 बार चले, थर्ड लूप में वो 3 बार चले, फोर्थ लूप में वो 4 बार चले और फिफ्थ लूप में वो 5 टाइम्स चले। तो क्या हमें अपने कोड में चेंज करना चाहिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो हमारे यहाँ रेंज है उसमें क्या लिखा है, 1.6, मीन्स हर बार वो 1 to 5 तक अपना लूप चलाएगा, ठीक है? बट मैं इसमें चेंज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 की जगह i को यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है? और i मीन्स हो जाएगा अपना 1, फर्स्ट लूप में i मीन्स 1, और लूप अगर मुझे 1 टाइम चलाना है तो मुझे i प्लस 1 करना पड़ेगा, मीन्स 1 प्लस 1, आपका लूप चलेगा 1 से लेकर के 2, मीन्स 1 टाइम लूप चलेगा। फिर नेक्स्ट लूप में i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है? मीन्स आपका लूप अब 2 टाइम्स चलेगा। तो इस तरीके से आपका एक ट्रायंगुलर टाइप का स्टार फॉर्मेशन रेडी हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग उसका आउटपुट लेते हैं, सेव करता हूं मैं अगेन और रन। ये देखिए, ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2, आपका लूप केवल 1 टाइम चला, देन इसी अकॉर्डिंग आई की वैल्यू इंक्रीज करती रही हर लूप में और आपका एक ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न यहां पे जनरेट हो गया, ठीक है? ओके, सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने देख लिया, सेकंड टाइप का फॉर्मेशन भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब थर्ड टाइप का स्टार फॉर्मेशन हम लोग क्रिएट करना है, जिसमें मैं फर्स्ट रो में 5 स्टार प्रिंट करना चाहता हूँ, सेकंड रो में 4 स्टार, देन 3, देन 2, देन 1, मींस इसका जस्ट अपोजिट। तो उसके लिए हमें क्या लॉजिक में चेंज करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। हमको कैसे भी करके यहां पर 1 से लेकर के 5 टाइम्स प्रिंटिंग करानी है, और जैसे जैसे लूप चलता जाएगा वो एक एक कम होता रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहां पे करता हूं 7 माइनस i, ठीक है? तो क्या होगा, फर्स्ट लूप में i की वैल्यू 1 है, i माइनस 7 6 बचा, ये वैल्यू 6 हो गई, तो आपके फर्स्ट लूप में 1 टू 5 टाइम्स प्रिंटिंग होगी। देन सेकंड लूप में i की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी 2 माइनस 7 यहां बचा 5, तो सेकंड लूप में आपका ओनली 4 टाइम प्रिंटिंग होगी। तो इसी तरीके से i की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और आपका रिवर्स ट्रायंगल स्टार पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैं अब इसको आउटपुट लेता हूं, देखते हैं किस तरीके से हमको आउटपुट मिला है। सेव किया मैंने एंड देन रन। ओके, सो अगेन आप लोगों के सामने यहां पे आउटपुट आ गया है, रिवर्स ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न। ओके, सो इस वीडियो हम लोगों ने देखा कि स्टार पैटर्न्स किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्या लॉजिक होता है स्टार पैटर्न्स क्रिएट करने का। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस कोड को आप लोग गौर से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? मैंने बहुत ही छोटे कोड में आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम लोग स्टार पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सो अगेन आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।